फ्रेंड्स, मैं सना फारूकी, आपके अकाउंट्स और टैली ट्रेनर। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में वाउचर्स डिस्कस करेंगे। देयर आर 24 प्री डिफाइंड वाउचर टाइप्स इन टैली प्राइम फॉर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल एंड ऑर्डर्स। मींस टैली सॉफ्टवेयर ने पहले से प्री डिफाइंड वाउचर्स 24 बनाए हैं, जैसे अकाउंटिंग वाउचर्स में कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट एंड सो ऑन। इन्वेंट्री वाउचर्स जो स्टॉक से रिलेट होते हैं, लाइक डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट एंड सो ऑन। पेरोल वाउचर्स लाइक अटेंडेंस शीट, पेरोल वाउचर्स। ऑर्डर वाउचर्स जैसे परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर एंड सो ऑन। यू कैन क्रिएट मोर वाउचर टाइप्स अंडर दिस प्री डिफाइंड वाउचर टाइप एज पर योर बिजनेस नीड्स। मीन्स आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्री डिफाइंड वाउचर्स का यूज करके और वाउचर्स आप बना सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में फ्रेंड्स, आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने खुद सेल्फ मेड बनाए हैं एब्रिवेशन, ताकि बिगनर्स के ईजी हो जाए वाउचर्स के साथ शॉर्टकट की याद करना। एंड यस, जिस जिस स्टूडेंट ने मुझसे ये चीज़ पढ़ी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यस मैम, आज भी मुझे याद है। सी पी आर जे एस पी डी सी। सी फॉर कॉन्ट्रा वाउचर, एफ फॉर शॉर्टकट की, पी फॉर पेमेंट वाउचर F5, आर फॉर रिसीव वाउचर F6, जे फॉर जनरल वाउचर F7, एस फॉर सेल्स वाउचर F8, पी फॉर पेमेंट वाउचर F9, डी फॉर डेबिट नोट वाउचर, शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F5, सी फॉर क्रेडिट नोट वाउचर, ऑल प्लस F6। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसीव वाउचर। रिसीव वाउचर की शॉर्टकट की होती है F6। रिसीव वाउचर क्या होता है? रिसीव वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक रिसिप्ट। मीन्स नाम से ही लग रहा है कि ये ऐसा वाउचर है जहाँ पे कैश के थ्रू पैसा आता है, मीन्स कैश डेबिट होता है, या बैंक के थ्रू पैसा आता है। बैंक अगर डेबिट करते हैं तो रिसीव वाउचर में हम एंट्री करते हैं। एंड यू कैन रिकॉर्ड अ रिसीव वाउचर यूजिंग सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री मोड। एंड रिसीव वाउचर में आप सिंगल एंट्री मोड भी एंट्रीज कर सकते हैं एंड डबल एंट्री मोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए एक जनरल एंट्री लेते हैं। संजय स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। संजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में कैश 5 लाख लेके आए हैं। तो बिजनेस में फ्रेंड्स कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट ₹5 लाख। एंड संजय कैपिटल लगा रहे हैं, ये ओनर है, तो संजय का कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट द गिवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट ₹5 लाख। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसे टैली प्राइम में हम कैसे करेंगे। टैली प्राइम में काम करने से पहले आपको अपनी कंपनी ओपन करनी होगी। कंपनी ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन हैडिंग है। ट्रांजैक्शन हैडिंग में आप वाउचर्स में एंटर करेंगे। जैसे ही वाउचर में एंटर करेंगे, ये स्क्रीन आपकी कौन सी आ रही है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। एंड रिसीव वाउचर की शॉर्टकट की F6, या तो वर्टिकल बटन बार में F6 क्लिक कर दीजिए या F6 शॉर्टकट की का यूज़ कर लीजिए। तो देखिए रिसीव वाउचर हमारा आ गया। रिसीव वाउचर में हमारी एंट्री थी, कैश डेबिट हो रहा था, संजय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वाउचर्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले डेबिट आएगा या पहले क्रेडिट आएगा, राइट? रिसिप्ट में सबसे पहले क्रेडिट आता है। तो हम लोगों ने देखा क्रेडिट में संजय कैपिटल लेजर पहले से बना नहीं है। आप ऑल सी करके या फ्रेंड्स प्राइम में ये बहुत ही ईजी कर दिया है। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो बगल में आपको क्रेड दिखाई दे रहा है, आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे संजय कैपिटल अकाउंट का लेजर बना दीजिए, संजय कैपिटल अकाउंट। एंड ये किसके अंदर जाएगा, संजय कैपिटल अकाउंट के अंदर। कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। एंड ₹5 लाख लिखा, एंटर। डेबिट आ रहा है, डेबिट करके एंटर करेंगे। ये देखिए कैश प्री डिफाइंड लेजर था, इसलिए पहले से दिखाई दे रहा है। कैश को हम लोग एंटर करेंगे, डेबिट कर देंगे। हमारी एंट्री हो रही कैश अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट। एंड नीचे नरेशन आता है फ्रेंड्स। नरेशन में आप बता सकते हैं आपकी एंट्री में क्या हो रहा है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5 लाख। एंड एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा था डबल एंट्री मोड। अगर आपको मोड चेंज करना है, मोड चेंज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एच में आपके पास ऑप्शन आ रहा है सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सिंगल एंट्री में फ्रेंड्स क्या होता है कि ऊपर वाला अकाउंट डेबिट होता है, नीचे वाला क्रेडिट होता है। मीन्स अगर यही एंट्री में सिंगल एंट्री मोड में करना है तो ऊपर कैश आप डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैश को डेबिट किया एंड नीचे संजय कैपिटल को ₹5 लाख से क्रेडिट कर दिया, राइट? ये हमारी एंट्री हो गई है। एंड एंटर करके आप एक्सेप्ट करा देंगे, राइट? तो इस तरह से फ्रेंड्स आप डबल एंट्री या सिंगल एंट्री में रिसीव वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। आज हमने फ्रेंड्स सीखा कि रिसीव वाउचर में कैसे एंट्रीज करते हैं। बाकी वाउचर्स नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।